हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक टेक्निकली रा। आज की स्टूडियो में डिस्कस करेंगे कि हम ओपन ऑफिस राइटर को ओपन कैसे करेंगे, देन उसमें वर्क कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर है क्या। ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कोई भी पैसा पे करना नहीं पड़ेगा। बट अगर हम बात करें अदर सॉफ्टवेयर की, जैसे कि MS ऑफिस, उसके लिए आपको पहले पैसे पे करने पड़ते हैं, देन आफ्टर डैट उसको आप परचेज करके अपने सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके साथ एक की मिलती है जिसकी हेल्प से आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। बट ओपन ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम ओपन ऑफिस इंस्टॉल करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट नेट से, हम डाउनलोड कर सकते हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट से। देन आफ्टर इंस्टॉलेशन के बाद उसको ओपन कैसे करना है वो हम देखते हैं। सो ओपन करने के लिए आप जाएंगे सर्च बार में। यहाँ देखिए सर्च बार है, यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ पर आप ओपन करेंगे एस राइटर। एस राइटर स्पेलिंग आपके सही होने चाहिए। ये देखिए जब मैंने एस राइटर ओपन किया तो यहाँ एक लाइबर ऑफिस राइटर है, दूसरा है ओपन ऑफिस राइटर। अब यहाँ पर क्लिक कर देंगे ओपन हो जाएगा। दूसरा मेथड कौन सा है आपको मैं तीन चार मेथड बताऊंगा, आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आप सर्च बार पर लिखेंगे ओपन। देखिए जब मैंने ओपन किया यहाँ पर ओपन ऑफिस का यहाँ शॉर्टकट अवेलेबल है। अदरवाइज़ आप यहाँ से देखिए कैल्क ओपन कर सकते हैं, बेस कर सकते हैं, देन राइटर ओपन कर सकते हैं। सेकेंड वे ये था। थर्ड मेथड क्या है, यहाँ देखिए टास्क बार में हमारा यहाँ राइटर का जो ऑप्शन है, जो आइकन है, वो मैंने यहाँ पिन किया है। इसको डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद आपका जो राइटर है यहाँ पर ओपन होगा। उसके अंदर कौन कौन से आपको एप्स मिलेंगे, सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे, वो हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए ओपन हो रहा है ये। आफ्टर ओपनिंग यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले मिल रहा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, देन प्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद ड्राइंग, डाटाबेस, फॉर्मूला और टेम्पलेट्स मिल रहे हैं। फिलहाल हमें अभी यूज़ करना है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जिसको हम राइटर भी बोल देते हैं। सो इसको ओपन करने के लिए इस पर डबल क्लिक करिए। फर्स्ट क्लिक हम सिलेक्शन के लिए करते हैं और दूसरी क्लिक ओपनिंग के लिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो राइटर है ओपन हो गया है। तो सबसे पहले इसके जो इंटरफेस है समय लेते हैं। तो टॉप मोस्ट बार जो किसी भी डॉक्यूमेंट की होती है, जैसे यहाँ पर लिखा है देखिए अनटाइटल्ड, देन ओपन ऑफिस राइटर, इसको बोलते हैं टाइटल बार, बिकॉज यहाँ पर आपकी फाइल का टाइटल शो करेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं उसको सेव करना है, फाइल में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको सेव एज कर दूँगा। फाइल का नाम है, आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने इसका फाइल का नाम दे दिया अरुण, और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए ये फाइल सेव हो रही है। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट का टाइटल आ गया अरुण। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ मेन्यू बार शो कर रहा है। डिफरेंट मेन्यू बार का डिफरेंट वर्क होता है, जैसे आपने फाइल को सेव करना है, क्लोज करना है और उसको ओपन करना है, एग्जिस्टिंग फाइल को, कोई नई फाइल लेनी है, रिसेंट डॉक्यूमेंट में जो आपने पहले फाइल बनाई है उनको ओपन करके देखना है, तो आप यहाँ से ये यूज़ कर सकते हैं। एडिट में आप अंडू यूज़ कर सकते हैं, रीडू अंडू यूज़ कर सकते हैं, सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मेन्यू में इसके डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स हैं। उसके नीचे देखिए यहाँ स्टैंडर्ड टूल बार आ रहा है। यहाँ पर मैं मूव कर रहा हूँ, इसमें जो ऑप्शन फाइल एडिट या साउंड मेन्यूज़ के अंदर है उसके यहाँ पर मेन मेन जो आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं ऑप्शंस को, उनके यहाँ शॉर्टकट्स दिए गए हैं। और यहाँ यहाँ लिखा है डिफ़ॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन, इसको बोलते हैं फॉन्ट बार या फॉर्मेटिंग बार, जिसमें डिफरेंट आपके स्टाइल्स वगैरह होते हैं। एक बार आपको यूज़ करके बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दिस इज़ अ न्यू यूज़र हु आर हेयर टू लर्न राइटर। अब देखिए ये मैंने लिखा तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल ए भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है या पूरे पेज को सेलेक्ट करना है। अदरवाइज आप यहाँ से क्लिक करेंगे, माउस को ड्रैग करेंगे तो ये देखिए सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप इसका साइज़ दे सकते हैं, ज़्यादा भी साइज़ बड़ा नहीं देना, जितना आपको सफिशियंट लगता है उतना साइज़ दीजिए। यहाँ से आप इसका फॉन्ट वगैरह दे सकते हैं, फॉन्ट मीन टू से राइटिंग स्टाइल। टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसको सेंटर में रख सकते हैं, राइट साइड में रख सकते हैं और लेफ्ट साइड में बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसके बाद अगर आप कलर वगैरह देना चाहें तो यहाँ देखिए ए आ रहा है, ये पर क्लिक करिए छोटा सा एरो जो, यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक ब्लिंकिंग लाइन शो कर रही है ब्लैक कलर की, इसको कर्सर बोलते हैं। इस कर्सर का काम क्या है, जहाँ से आप टेक्स्ट को शुरू करना चाहते हैं वहाँ से ये लाइन वहाँ डिस्प्ले करेगी। जैसे एरो बटन से मैं ऊपर मूव कर रहा हूँ और बैक आ गया यहाँ से, यहाँ मैंने एंटर किया और यहाँ हेडिंग दिया ओपन ऑफिस, ओपन ऑफिस राइटर। अब देखिए इसको मैंने सेंटर में लेकर आना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से सेंटर बटन यूज़ करूँगा और यहाँ से मैं सेलेक्ट करके
इसको यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर लूँगा, जो भी मैं देना चाहता हूँ आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कलर दे सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आप इसी फाइल को किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं या इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं फाइल में जाकर सेव एज कमांड का यूज़ करूँगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई कि आपने अगर फाइल को सेव करना है उसकी आपको लोकेशन देनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पर देखिए लोकेशन शो कर रहा है जिसमें डेस्कटॉप है, अदरवाइज़ आप यहाँ देखिए कोई भी लोकेशन दे सकते हैं। तो फिलहाल मेरी लोकेशन डेस्कटॉप ही रहेगी, वहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा। फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं ये भी समझ लीजिए। यहाँ जो ब्लैंक एरिया इस पर राइट क्लिक करिए, उसके बाद सीधा नीचे आइए, न्यू के ऊपर क्लिक करिए और सीधे आगे मूव कर दीजिए। देखिए फोल्डर पर क्लिक किया, फोल्डर का मैंने नाम दिया राइटर, नॉर्मल क्लिक कर दिया और इस फोल्डर राइटर को क्लिक करके ओपन किया और अपनी फाइल का नाम मैंने सेम रखा। अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से मैंने उसको कर लिया सेव। नाउ सी, जब मैंने फाइल को सेव किया तो पहले फाइल थी अरुण, अब मैंने नाम दिया अरुण 1, तो यहाँ पर देखिए ये नाम अपडेट हो गया। अब देखिए ये तो कुछ कमांड्स थी या कुछ ज़्यादातर बेसिक सी इसके ऑप्शंस थे या डिफरेंट कमांड्स थी जो हमें आनी चाहिए। यहाँ से आप स्क्रॉल बार से ऊपर नीचे भी मूव कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट को आगे पीछे करना है, यहाँ से ये देखिए यहाँ पर रूलर बार है, इसको आप यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं, आपकी नीड है। ये देखिए टेक्स्ट आगे हो रहा है, अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट करना है उसको यहाँ से पीछे कर दीजिए। ये रूलर बार होता है जैसे आप स्केल का यूज़ करते हैं, सेम यहाँ एज ए स्केल का वर्क करता है। यहाँ से भी देखिए रूलर बार है, अगर लिटिल बिट आपको अपर साइड लेकर जाना है तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं। नीचे यहाँ देखिए स्टेटस बार में शो कर रहा है आपने कितने पेजेस लिए हैं, कौन सी आप इसमें ग्रामर यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से आपके कीबोर्ड से बटन एक्टिवेट है, और यहाँ से आप पेज का जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ये देखिए माइनस पे क्लिक किया जूम छोटा हो रहा है, प्लस पे क्लिक किया जूम बड़ा हो रहा है। अदरवाइज़ आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे और माउस का जो सेंटर बटन होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रॉल व्हील, उससे भी साइज़ इसका छोटा बड़ा कर सकते हैं राइटर के पेज का। अब यहाँ पर मैं कुछ आपको शॉर्टकट कीज़ बताऊँगा जिसकी हेल्प से आप अपना काम और भी ईजी कर सकते हैं और जो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर में यूज़ होती हैं। तो देखते हैं वो शॉर्टकट कीज़ क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ जो हम शॉर्टकट कीज़ बेसिक शॉर्टकट कीज़ राइटर में यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे न्यू फाइल लेने के लिए न्यू। ये देखिए कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो न्यू आ जाएगा। उसके बाद अगर आपने कोई पहले से फाइल क्रिएट किया, जैसे मैंने ही अभी एक फ़ाइल क्रिएट की थी अरुण 2, दूसरी अरुण 1 की, अगर आप क्रिएट करना ओपन करना चाहते हैं अरुण वाली फ़ाइल को, तो आप कंट्रोल ओ करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उससे मेरी फ़ाइल का नाम चूज़ करेंगे, देन वो फाइल ओपन हो जाएगी। दूसरी, अगर आपने न्यू फाइल ली है उसमें कुछ डाटा लिखा है और आप उसको सेव करना चाहते हैं विदाउट गोइंग टू फाइल मेन्यू, तो उसके लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल और एस प्रेस कर सकते हैं। कुछ बिगनर्स क्या करते हैं, सबसे पहले कंट्रोल प्रेस करके छोड़ देते हैं फिर एस करते हैं, बट जब आपने फाइल को सेव करना है तो पहले कंट्रोल आप प्रेस करके रखेंगे फिर एस को प्रेस करेंगे, देन फिर सेव एज वाला डायलॉग बॉक्स आएगा। उसके बाद है अंडू कमांड, यस वन इज अंडू। अंडू का काम है जो भी आपने लास्ट एक्शन रिपीट किया है उसको दोबारा लेकर आना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ओपन ऑफिस राइटर लिखा था, मैं उसको डिलीट कर दूँ, तो अगर मैं उसको दोबारा लेकर आना चाहूँ तो मैं अंडू का यूज़ करूँगा। रीडू अंडू है ऑपोजिट ऑफ अंडू। आप फिर से उसको लेकर आना चाहते हैं या फिर से उसको हटाना चाहते हैं, उसके लिए दोनों कमांड्स आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। अगर आप करना चाहते हैं तो नहीं यूज़ करनी तो भी ठीक है, ये फिलहाल आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा क्लियर होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे वर्क करेंगे। तो कॉपी से क्या होगा, आप अपने टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। डुप्लीकेट कॉपी मीन टू से कि जैसे मैंने हेडिंग दिया ओपन ऑफिस राइटर, आप इसको और भी कहीं लिखना चाहते हैं तो इसको आप कॉपी कर लीजिए और वहां पर पेस्ट कर दीजिए जहां इसको आप लिखना चाहते हैं टेक्स्ट को। नेक्स्ट वन इज कट। कट से क्या होगा, हम टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, मीन टू से कि आप टेक्स्ट की लोकेशन चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग कट कमांड, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल वी से क्या होगा, कंट्रोल वी से होगा पेस्ट। मैक्सिमम यूज़र कंट्रोल पी से पेस्ट करते हैं, लेकिन कंट्रोल पी जो कि मैंने यहाँ डिस्प्ले नहीं किया, कंट्रोल पी से प्रिंट होगा कि अगर आपने कोई फाइल क्रिएट की है और आप चाहते हैं कि उसका प्रिंट आउट निकालना तो आप कंट्रोल पी का यूज़ करेंगे, तो पी पहले से एलोकेट है तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने कंट्रोल वी से पेस्ट किया है। जब आप कंट्रोल वी करेंगे, जो भी आपने टेक्स्ट को कट किया है या कॉपी किया है वो आपका उस पर्टिकुलर लोकेशन पर सेव हो जाएगा जहाँ पर आपका कर्सर अवेलेबल है। कंट्रोल एफ से क्या होगा, फाइंड। फाइंड मीन टू से कि आप अपने फाइल में काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट लिखा है और उसमें से कोई पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना चाहते हैं, उसके लिए हम फाइंड कमांड का यूज़ करेंगे जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एफ। नेक्स्ट वन इज रिप्लेस।
रिप्लेस से क्या होगा कि आपने कोई अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड को सर्च किया और आप उसको किसी अदर अल्टरनेट वर्ड से उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप विद द हेल्प ऑफ रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस का शॉर्टकट की है Ctrl+H, जिससे रिप्लेस वाला डायलॉग बॉक्स का पर्टिकुलर ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। वहाँ पर आप उसको जो भी वर्ड सर्च किया है जिसको भी चेंज करना है वो वहाँ फिल कर सकते हैं। सो ये थी कुछ कॉमन सी कमांड्स, शॉर्टकट कमांड्स जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं और काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम सेव करती हैं। इनको लर्न करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सो एक बार मैं आपको अनडू और रीडू अनडू का कंसेप्ट समझा देता हूँ कि वो आपने वर्क कैसे करना है। तो अगेन मैं यहाँ ओपन ऑफिस में जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने राइटर को इरेज कर दिया, इसको भी इरेज कर दिया, इसको भी इरेज कर दिया। अब देखिए इसको मैं दोबारा लेकर आना चाहता हूँ, उसके लिए एडिट में जाएंगे, ये देखिए आ रहा है अनडू। मैंने कहा नहीं, मुझे लेना ही नहीं है ये, फिर से उसको हटाना चाहता हूँ, उसके लिए एडिट में जाके ये देखिए रीडू अनडू, वहाँ से चला गया। अनडू का मल्टीपल टाइम काम कर सकता है इसमें, तो अनडू का शॉर्टकट की है Ctrl+Z, ये देखिए Ctrl+Z से मैं मल्टीपल स्टेप्स आगे जा रहा हूँ, और Ctrl+Y रीडू अनडू का, ये देखिए रीडू उसको दोबारा पीछे लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे आप अनडू और रीडू अनडू का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्रिंट की तो Ctrl+P करेंगे, जब मैंने Ctrl+P किया कीबोर्ड से, यहाँ देखिए प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ से आप अगर आपके पास यहाँ पर फिलहाल 1 पेज या 2 पेजेस है, आप ऑल पेजेस सेलेक्ट करके प्रिंट कर दीजिए, दोनों पेजेस की जो एक एक कॉपी है निकल जाएगी। पेजेस आप सिर्फ पेज 1 की कॉपी निकालना चाहते हैं, कितनी, 2, तो यहाँ पर सिर्फ पेज 1 है उसकी 2 आ जाएंगी। सिलेक्शन मीन टू से कि आपका जो भी आपने पेज यहाँ पर सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ उसकी कितनी कॉपीज चाहिए। यहाँ मैनुअली भी फिल कर सकते हैं या यहाँ इसको इंक्रीज कर सकते हैं, नीचे से डिक्रीज कर सकते हैं, ये आपकी नीड है। तो आप यहाँ से सारी सेटिंग करके प्रिंट की कमांड दे दीजिए, देन आपका जो प्रिंट आउट है वो आ जाएगा। प्रिंट आउट मीन टू से कि पेज पर उसको डिस्प्ले करना, दैट मीन्स कि आपकी ये जो सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी मीन्स जो हमारी फाइल्स कंप्यूटर के अंदर होती हैं उनको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, और जिसका हम प्रिंट आउट निकालते हैं दैट वन इज हार्ड कॉपी। तो ये भी आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो आज हमने ओपन ऑफिस राइटर के बारे में, इसके डिफरेंट ऑप्शंस किए, डिफरेंट टूल बार्स किए और डिफरेंट शॉर्टकट कीज की, इसको करके देखिए। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और साथ के साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिए, सो डैट वो भी इन डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करके अपने वर्क को ईजी कर सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।